आदि खान साहब, आदमी आदि सिंह साहब, सचिव पुष्पाली साहब, यासुद्दीन बप्पू साहब, जनाब अहमद साहब, मन्नान साहब, सचिव आदमी साहब, शहजाद सुबेदार खान साहब, नासिर सर साहब, आदि टीचर साहब, राम केवल यादव जी, एहतान साहब, जनाब बाबा साहब, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं वसीम साहब की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सिर्फ मुबारकबाद ही नहीं बल्कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने माशाअल्लाह मोटा के अंदर पार्टी खड़ी करने के जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है और माशाअल्लाह इतने अच्छे से लोग बैठे हैं कि मुझे लगता है कि मोरा इंशाअल्लाह आपकी फतह जरूर होगी, कामयाबी आपको कदम जरूर की होगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए जो सबसे जरूरी काम है वो तंजीमी सतह पर काम होना चाहिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन संगठन मजबूत होना चाहिए। संगठन में सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, अगर हमारे लोग संगठन में अपनी ड्यूटी पूरी कर लें, हम देसी की वाली बनाए, हम सेल बनाए, रीजन सभा बनाए, माइनॉरिटी सेल बनाए, टीचर सेल बनाए, वकीलों का सेल बनाए, रिक्शे वालों का सेल बनाए, टैक्सी वालों का सेल बनाए, उल्माओं का सेल बनाए, सुनम वालों का सेल बनाए, इस तरह से हम सारे लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला की मदद के बाद अगर सबसे बड़ी कोई इबादत है तो मखलूक की खिदमत करना। मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं, मैं 23-24 सालों से संघर्ष कर रहा हूं और मैंने जब पार्टी शुरू किया था तो मैं जेल से छूट कर आया था और मैंने जेल में जो गिरफ्तार हुए थे उनके साथ क्या असीयत हुई थी, किस तरह से कांग्रेस और एनसीपी की सरकार होने के बाद भी किस तरह से यहां पर लोगों के साथ तकलीफें बची गई थी वो मैंने देखा था। और मैं गैर कांग्रेसी सरकार लाने के लिए हमारे पूर्वे हमारे बाप दादा जितने बैठे हैं इन सब के घर वाले 1992 के पहले कांग्रेस में होते थे, लेकिन ये मालूम था कि हम लोग अपने असली में सांप पाल रहे हैं, हमने असली में सांप पाला। मैंने सोचा था कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ाऊंगा इलेक्शन, और जब पानी शुरू किया था बहुत जोश था लोगों के अंदर, लोग जुड़े, चार चार एमएलए चुन कर आए, हम लोग 22 नगर सेवक मुंबई में चुन कर लाए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता जो चुन राय के लोग हैं वो लोग जो है सिर्फ सत्ता के नवाब मलिक हो, हुसैन दरबारी हो, विश्व अग्रणी हो, मजीद एमर हो, ये सारे लोग जिनकी राजनीति में कोई हैसियत नहीं थी। नवाब मलिक वही बात करता है, जब समाजवादी पार्टी में आए तो उससे पहले उसने एलेक्शन लड़ा था कोटा से, सिर्फ 800 मिला था, 800 एमएलए में, एमएलए में 800 मिला था भाई। तो मैं यही कहूंगा कि कितने कमजोर हैं जो गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, अब जब जमीने और नूर पाते हैं अपने आकार भूल जाते हैं। जिस जज्बे से पार्टी शुरू किया था ना, अगर जज्बा मेरे कार्यकर्ताओं में मेरे साथियों में कायम रहा होता, मैं गारंटी से कहता हूं आज किसी की मां ने खुद नहीं पाया था कि आज किसी गरीब मुसलमान को बेकसूर को मार मार के हड्डी पहले तोड़ करके ले जा करके गलत तरीके से दहशत कर दी है, इंसान में बंद कर देता। हमारे लोगों ने धोखा दिया,
400 फुट फुट कर दिया है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मुझे हिजरों के लिए मतों की कोई चाहिए। पहले कारोबार चाहे मुख्तसर हो जाए, मेरा कारोबार चाहे मुख्तसर हो जाए, लेकिन कोई रहसन नाम सफर हो जाए। हमें ऐसे आदमी चाहिए, ऐसे लड़के चाहिए जो चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े रहे। अब मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारा भाई गोली खा सकता है लेकिन तुमको छोड़ कर भाग नहीं सकता। मेरे जीने की मेरे किसी कार्यकर्ता का एक रोना भी अगर टेढ़ा हो गया और मैं देखता रहा यकीन जाना मैं कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैसा कमाने के चांस मिलता है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन सिर्फ पैसे मत ढूंढो। ये समझो कि राजनीति में मैं लोगों के आंसू पोंछने आया हूं। मुझे बहुत खुशी होती है लेकिन मुझे गोटी से फोन आया, मैं एमएलए नहीं था। एक औरत ने मुझे फोन किया कि भैया मेरे घर में पुलिस वाला आया, उसने कहा कि तुम जो है यहाँ केमिकल इस्तेमाल करती हो, चलो थाने चलो। उसने कहा एक मीठी सुपारी बना के बेचती हूँ, सफर मर चुका है, लड़की जमाने शादी करना है। तो कहा कि उसने कहा अच्छा आधार मेरे से लिया और चला गया। फिर उसे मेरे घर में से आता है उसकी नजर मेरी बच्ची बेटी, मेरी जवान लड़की थे मुसलमान, और रोज किसी किसी बहाने से मेरे घर में आता है। मैंने मैंने कहा मैं एक बार खोल लेता हूँ आज, वो पुलिस अफसर कोई जाता है घर पे जाकर उस बहन का पैर पकड़ के माफी मांग के 4,000 रुपया दे दे, नहीं तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। परेशान हो गया और मैंने कहा खुशमत साहब मैं तुमसे बोलने आया हूँ, लेकिन मैं गिरबान पकड़ का हलक में हाथ डालकर भी कहना जानता हूँ। और अलहमदुल्ला उसी दिन शाम को गया, 4,000 रुपया दिया, पर आज के बाद नहीं आऊंगा, माफ कर दो। अभी आज ही पहले की बात है, मुझे खिताब करके सुनाया कि मेरे रिश्तेदार को पुलिस से बहुत मारा, बहुत मारा है। मैंने कहा भेजो क्या गलती मेरे पास है नंबर उसका लिख रहा है। मैंने दूसरा लोग सुन किया, मैं आमदार आदिवासी आदमी बोल रहा हूँ, तुमने कहा सुलेमान नाम के आदमी को बहुत मारा है और 20,000 रुपया लिया है। फिर सुने बोलना तू सुन, तू सिर्फ सुनेगा बोलेगा नहीं आज, तुमने 20,000 रुपया लिया है, तू नाम बोलना दे दो और तुमने मारा है उसको। तेरी खैरियत इसी में है कि रात को 12 बजे के पहले उस आदमी को उठना और माफी मांग के 20,000 दे, नहीं तो कल मैं तेरी जो हालत करूंगा कि तू अपना चेहरा नहीं पहचान जाएगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने पुलिस वाले उसको बुलाया, माफी मांगा, उसका 20,000 वापस दिया। मैं समझता हूं मैं मंत्री से बड़ा आदमी हो गया, मैं इसीलिए राजनीति करता हूं। किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा किताब के अंदर कि एक कुत्ता प्यासा था, कुएं पे खड़ा था, जबान निकाले अगर पानी नहीं मिलेगा तो कुत्ते की जान चली जाएगी। एक कबाड़ उस रास्ते से गुजर रही थी, उसने अपना कपड़ा उठाया उठा कुएं में डाल के पानी निकाला और कुत्ते के मुंह में पानी निचोड़ दिया और कुत्ते मरता हुआ कुत्ते में जान आ गई।
सवाल को जनपुर संतोष मुखान दो कि दूसरे की जान बचाइए। मैं तो सुबह से शाम तक 10 लोगों को मुक्ति मदद करने की कोशिश करता हूँ। और ध्यान रखना, इससे बड़ा परेशान कोई नहीं रहेगा। काम करो मेरा, तो कोई आगे कहेगा कि मेरा घर भरा हुआ है, कोई कहेगा मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर से दवा मिला दो। कल रात की बात है, भिवंडी के लोगों ने मुझे फोन किया, आसिम भाई हमारी बेटी 8 साल की है, उसको सर में क्या हो गया, उसको ट्यूमर हो गया और उसकी आंख की रोशनी जा रही है। अगर आज ऑपरेशन नहीं हुआ तो कल तक मेरी बेटी अंधी हो जाएगी। बीपी मिश्रा या पीपी मिश्रा नाम का डॉक्टर है, वो नाराज हो गया है, वो कहता मैं ऑपरेशन लेकर वो कहीं जाके करा लू, मैं अस्पताल में खड़ा हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, अगर इसका ऑपरेशन कहीं हो जाए आसिम भाई, कोई डॉक्टर करेगा उसने मुझे बना रहे हैं। कोशिश किया और उसका ऑपरेशन हो गया, बच्ची की आंख लग गई। इस तरह के 50 काम रोज करता हूँ और 1 रुपया किसी से हराम नहीं लेता हूँ। बिल्कुल खुशी होती है मेरे भाई, मेरी वजह से अगर किसी आदमी को किसी दुखाई को खुशी हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात है। इसके लिए काम करना चाहते हो तो नहीं बोलो, मुझे साथ हो गया आप लोग साथ हो गए तो इंशाअल्लाह इज्जत ऐलान के साथ तुम्हारे फोन से उठा कर चल पाएगी। आज संग्रह मजबूत इसलिए भी करना है, मैं हिंदू और मुस्लिम नहीं करता, लेकिन मैं अपने फोन की बात जरूर के नहीं करूं। आज पूरे हिंदुस्तान में 543 एमपी चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में, हर 18 से 20 लाख के बीच से एक आदमी चुना जाता है, पूरे कितने 543। एक बड़ी पंचायत था है दिल्ली में पार्लियामेंट, वहां सब बैठते हैं, अपने अपने मसले पर बहस करते हैं। पूरे मुंबई में 48 सीट है, एक मुसलमान चुनकर गया आज तक, 48 से एक भी मुसलमान नहीं। जब उस पार्लियामेंट में महाराष्ट्र की बात होती है मुसलमानों की तो कौन करेगा, है ही नहीं कोई मुसलमान। गुजरात चले जाओ, एक भी मुसलमान नहीं। राजस्थान चले जाओ, पार्लियामेंट में एक मुसलमान नहीं। गोवा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पंजाब चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, कितना नाम हुआ आपको, एक भी मुसलमान चुन कर नहीं जाओ। जहां मेरे कर्म के फैसले किए जाते हैं वहां मैं नहीं बात करूं, वहां कौन बात करेगा। नहीं, अभी लंदन में एक मीटिंग हुई, लंदन के कमिश्नर ने कहा कि लंदन के जिस इलाके में मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां का थानेदार मुसलमान ले लो, जिस इलाके में ज्यादा मुसलमान है वहां का फलाना मुसलमान ले लो, ताकि वो अपनी बातें पुलिस वालों से कह सके और अपनी परेशानियों को दूर कर सके। हम लोग अलग अलग थानों में बैठे हुए हैं। मैं उतनी जा रहा था इलेक्शन कमेटी में, एक ठेले पर इंटरव्यू लिख रहा था, मैंने पूछा अंगूर वाले क्या भाव अंगूर बेचता है, कहा 80 रुपया किलो। मैंने कहा दो जगह क्यों बेच रहा है, एक तरफ तो पीछे बना हुआ लगा हुआ अंगूर, एक तरफ उसी पीछे से निकला हुआ अलग अंगूर रखा हुआ है। कहा जी भाई साहब, जो पीछे से अंगूर निकल गया ना वो बेदाम हो गया, उसकी वैल्यू 30 रुपये किलो, और जो पीछे में है ना उसके 80 रुपये किलो। तो मुझे लगा कि मेरी कौन के लोग जो पीछे से बाहर निकल गए ना वो बेकीमत हो गए, और वो एक साथ रहे ना उनकी बहुत बड़ी हैसियत स्कूल के अंदर है, तो पीछे के अंगूर की मिसाल है। तो एक साथ हो कोई तुम्हारी तरफ हाथ उठा कर देख नहीं सकता है। महाराष्ट्र में बहुत थोड़ी सीटें ना मुसलमान चुन के आ सकता है, असेंबली में 9 मुसलमान आए हैं, उसमें 1-2 पैसे हैं जो पूजा करते हैं। 288 में 9 मुमरा माइनॉरिटी डोमिनेटिंग है कि नहीं, मुझे बता दो। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं थाना से नहीं कहूं मुसलमान लड़ाने की बात करता हूं, मैं पहले से कोई मुसलमान लड़ाने की बात नहीं करता हूं,
70 साल देश में
内政の再開のやつらケニーレジャーレベルジャンアップキサガーチャーファタムレイディとアップネーラシタカーキ 5% ムスタバランコレベルジャンケフォカキアイノネケスコプラムスタバランコアカインコレベルジャンデナファとイエアサンブリーキャンダルएक बिल लाते और वह बिल पास करते जब बिल पास हो जाती ना तब कानून बन जाता कोर्ट कह रहा है कि रिजर्वेशन दे दो लेकिन बिल पास ही नहीं है जब बिल पास नहीं तो कैसे देंगे किसकी हुकूमत थी कांग्रेस और एनसीपी की शरद पवार साहब ने मेरे सामने मुंबई के तमाम मुसलमानों से यकीन दिलाया था अगर मेरी सरकार महाराष्ट्र में आ जाएगी मैं मुसलमानों इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जैसे मैं सत्ता में आ जाऊंगा ये पूरा कॉलेज मुसलमानों की प्रॉपर्टी मुसलमानों के हवाले कर दूंगा आज तक नहीं किया इन्होंने इनको मिल कई हजार करोड़ की दलितों की मांग पर उसको दे दी गई लेकिन मेरे बाप दादाओं के पसीने की कमाई से खरीदी हुई इस्माइल यूसुफ की स्टैंडिंग की जमीन आज भी हमारे पास नहीं है कौन है इसका मालिक सरकार बन गई किसकी सरकार थी मुझे बताओ आप लोग हमें बीजेपी शिवसेना को हराना है कि नहीं हराना है जोर से बोलो कौन आएगा चुनकर नहीं आएगी आएगी चुनकर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी की सुनो सच्चाई हम जब बीजेपी शिवसेना खत्म हो गया तो सबसे बड़ी पार्टी कौन आएगी कांग्रेस और एनसीपी मैं आपने लड़ा नहीं थी मोहरा ने कि भाई मेरे आदमी वोट दे दो तो ये लोग कहेंगे ना अरे आसिफ भाई अच्छे आदमी तो हैं लेकिन वोट काम देंगे और बीजेपी हार जाएगी बीजेपी जीत जाएगी ये सच्चाई कड़वी सच्चाई सुनो मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे मैं चिल्ला चिल्ला कर थक जाऊंगा मेरे बदन के नस फट जाएंगे लेकिन मेरे फौज के लोग कहेंगे नहीं मत दो अब आसिफ को नहीं तो यहाँ पर शिवसेना बीजेपी चुनकर आ जाएगी मुझे बता दो कि कौन सा काम ऐसा इन्होंने किया है जो शिवसेना बीजेपी ने नहीं किया एक काम बताओ मुझे कोई काम ऐसा नहीं है सब काम वही करना जो बीजेपी शिवसेना करना चाहे लेकिन इसका हल है कांग्रेस और एनसीपी की मजबूत सरकार नहीं कमजोर सरकार बनना चाहिए भिवंडी में चुन के आ जाऊंगा गोंदी में चुन के आ जाऊंगा माना कि यहां भी चुन के आ गया कितनी सीट चुन के आऊंगा तो 5-10-15 मिनट बची है ना उसे सरकार बनती है क्या सरकार बनती है 146 सीट पे लेकिन मेरी पैसा की दे दो ये एनसीपी और कांग्रेस ये पागल हाथी हो जाते हैं चुन के आने के बाद लेकिन उस हाथी पर एक ऐसा विद्वान बैठा था रघुवर सिंह जैसा कि मार मार के साथ बहुत गौर से सुनो ताकि तुम लोग आप ही हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हो जज्बात में मत बहना मैं उस दिन गया था उस्मानाबाद वहां कांग्रेस के या एनसीपी के लीडर वाले थे बैठे बैठे बड़े बड़े ये कह रहे थे हमारी सरकार ला दो हम रिजर्वेशन ला देंगे मैंने कहा ये सब चपरासी है ये क्या लाएंगे लाओ शरद पवार को लाओ तुम यहां पर अशोक चौहान को लाओ पृथ्वीराज चौहान को लाओ अजीत पवार को और उनसे कहो क्या झूठा वादा नहीं चलेगा अगर आपको चुनकर लाए तो आप गंगा जल पर हाथ रखकर कहो कि जो आपने इससे पहले मुसलमानों के साथ किया वो नहीं करोगे तो हम सोचेंगे नहीं तो नहीं चलेगा ये सच है नमाज में दुआ करना हिंदू भाई पूजा करना और कहना कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को चाहे
चाहे 40 ही मिल जाए, चाहे 2 ही मिल जाए, चाहे 10 मिल जाए, लेकिन इतनी मिल जाए कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार बिना समाजवादी की मदद से न चलने पाए, तब नया भार होगी। यही हाल है, दूसरा कोई हाल नहीं है। मैं टीचर्स मैन हूं, मुझे हाल में दो दो चार होता है, और इंशाल्लाह अगर आप देंगे ना तो जरूर होगा काम। ये आप लोग समाजवादी पार्टी की कोशिश कीजिए, और सुनो मेरे कार्यकर्ताओं, काम अल्लाह के लिए करो। तुम इस मुल्क में किसी की मेहरबानी को नहीं रहते। मोदी तो बहुत छोटा फोन आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी अपने आप को क्यों कहता है कि मैं दाखिल कर लू, तेरी कोई हैसियत नहीं है। हम अगर इस मुल्क में किसी की मेहरबानी पर रहते हैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानी पर रहते हैं। हमें मेहरबानी किसी ने चाहिए, हमें इंसान चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, समाजवादी पार्टी को मजबूत करो। हम सब बाहर मशवरा करेंगे, हमारे मुल्क के लिए कौन के क्या बेहतर है वो करेंगे। और ये मत सोचो कि हम लोग कमजोर हैं, सपना बड़ा देखो। हम भी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर बन सकते हैं, हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, अगर आपने साथ दे दिया तो। हमें कोई सपना छोटा नहीं देखना है, सपना बड़ा देखना है। जब तक सपना बड़ा देखोगे नहीं ना, जब तक कामयाब नहीं होंगे। और एक बात सुनो, नेता मत बनो, कार्यकर्ता बनो। सुनो भाइयों, गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर, मेरा एक एक आदमी आपने भी मत आएगी ऐसी कुर्सी, ये बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, पूरी कुर्सी रखी आप, मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसी कुर्सी बैठने की। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि मुझे सबसे पीछे बिठा दो, मैं भीड़ में सबसे पीछे रहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे वसूलों को आगे बढ़ाओ। मेरा एक एक कार्यकर्ता ये वसूल होना चाहिए कि मैं स्टेज पर नहीं आऊंगा, मुझे कोई भाषण नहीं करना, जब मुझे अध्यक्ष बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं सबसे पीछे खड़े रहूंगा। करोगे नहीं करोगे, वादा करो आप लोग। अगर आप पार्टी चलाना चाहते हो, खुद को बड़ा बनाना चाहते हो, तो फिर आगे मत आओ, काम करोगे अपने आप नाम हो जाएगा। अल्लाह का करम है, आज बड़े बड़े लोग 500 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो मुझे आश्रम बना दो। न मेरा बाप एमएलए था, न मेरे खानदान में कोई एमएलए था, मैं अकेले राजनीति में गया हूँ, मेरा पूरा घर खराब है। लेकिन आज भी मेरी पार्टी कहती है वासिम तुम दिल्ली में जाओ, मैं तुझे दिल्ली में राज्यसभा में भेजना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं जाऊंगा, मैं बम्बई में रहूंगा, एमएलए चुन जाऊंगा तो लड़ूंगा। हमारा अपनी हैसियत किसी जाके हाथ फैलाने से नहीं, जनता के काम करने से होती है। छोटी छोटी बातों पर नाराज मत होना। परसों हमारा प्रोग्राम था 3 दिन पहले दुबई शहर में टीचर का, लंदन जा रहा एक टीचर, उन्होंने प्रोग्राम कराया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमें वहां का तालुका अध्यक्ष होकर के बोलता है, आसिम भाई हमें क्यों निर्णय किया गया, क्या हरा को हाथ मिला दिया जाएगा। भाई आपकी पार्टी की इज्जत भी काफी है, अगर किसी का नाम नहीं लिया गया तो क्या मतलब आपको निर्णय कर दिया गया। ऐसा बहुत मत आएगा सुनो कि वसीम भाई तुमको चाहते होंगे लेकिन फिर तुम्हारी तरफ हाथ उठा कर देख नहीं पाएंगे। वसीम भाई सबको फूल का हाथ देंगे और सबसे अच्छे आदमी को भूल जाएंगे, तो नाराज हो जाओगे। सुनो बोला वसीम भाई, आप मुझे कांडो के रास्ते पर चलाएंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे फूलों का हाथ नहीं कांडो का हाथ दो, मैं आपके साथ वसूल भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो चापलूसी भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ये करोगे तब पार्टी चलेगी। हमारे नेता कहते थे जब इलेक्शन होगा ना तो कोई आगे कहेगा, अरे भाई झगड़ा हो गया आदिवासी को मिलने की, आदिवासी मर गए, आदिवासी की लाश पड़ी है। तो कार्यकर्ता तुम कहना इलेक्शन के दिन, अभी मुझे कुछ नहीं, आदिवासी का हुकुम है, हम लोग इलेक्शन लड़ाएंगे, वोटिंग कराएंगे, 5 बजे का बक्सा बंद हुआ ना तब जाएंगे देखेंगे क्या पड़ा है, पहले हम इलेक्शन लड़ाएंगे। हमारे धूम का होना चाहिए काम में,
जो फिल्मों बनाकर आपको भगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी ड्यूटी पर रहना है। मैं इसलिए आपसे बातें कह रहा हूँ, ये मेरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। अगर मेरा कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़ा रहा तो मैं दुनिया में किसी से रहने को तैयार हूँ। छोटी छोटी बातों पर घर को मानना, किसी को कोच नहीं मिली तो नहीं है, लेकिन अगर वो काम वाला आदमी है ना, तो मैं मजबूर ढूंढे उसको भाई बाहर ढूंढ के लाओ, कौन आदमी है तो इतना काम कर रहा हूँ, जल्दी खोल दो और हाथ जोड़ के बोलूंगा, भैया तुम टिकट नहीं कर ऐसे लो, तुम नाना बोलते रहोगे और मैं तुम्हें पता ना रहूंगा। खुदी बोलकर कभी मिलना यहाँ तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ मुझे पता कर दी ले जाकर। मैं आज आया यहाँ पर वसीम भाई को अप्रिशिएट करने के लिए, आज भाई को अप्रिशिएट करने के लिए, भाई आपने अच्छा काम किया आज, माशाल्लाह आपका हाथ भरा हुआ है और एक आदमी भी नहीं जा रहा है यहाँ से, तो सब लोग साथ रहेंगे ना भाई, छोटी छोटी बात में गुस्सा होकर भागना ना, एक बार हाथ पकड़ लिया ना तो फेरी कॉल चुपका देना, फेरी कॉल अरे हाथ फूट जाएगा अलग जाओ, ठीक है। यह कब्रिस्तान का मसला चल रहा है, जो कब्रिस्तान सरकार ने दर्ज है, जो कब्रिस्तान सरकार ने अलॉट किया है, हमें वही कब्रिस्तान चाहिए, हम दूसरी कब्रिस्तान ले लेंगे, लेना ही क्या दूसरी, भाई क्यों दूसरी कब्रिस्तान ले रहे, एक कब्रिस्तान पहले से वो अलॉट हो चुकी है, वो खाते में दर्ज हो चुकी है, साथ पाना में कब्रिस्तान लिखा गया है, वही कब्रिस्तान चाहिए ना। अबे तुम्हारे जैसे जैसे हम लोग पैदा करते हैं, सिखा दो कब्रिस्तान वही रहेगी और इंशाल्लाह इस कब्रिस्तान की लड़ाई हम मुंबई के मंत्रालय में लड़ेंगे आपको लेकर के, और इंशाल्लाह ये नौबत में आने भाई की आप एक मंजिल लेके जाओ, उसके पहले वो कब्रिस्तान को इंशाल्लाह गिराने की कोई कोशिश करेंगे हम आपको। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मैं पत्रकार भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, छापो एक टपोरी लोग में छापो, अच्छे लोग में छापो और टपोरी लोग हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो दोस्तों मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका इस उम्मीद के साथ, हमारा एक बहुत अच्छा संगठन बनने का मौका है और अगर छोटी छोटी कोई बातें होगी हम लोग बैठ कर उसका तस्वीर कर लेंगे, लेकिन हम पार्टी से अलग नहीं होंगे। सुबीर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, जितने जवान लड़के हैं सब सुबीर के साथ जुड़ो, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, और फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होटों को हिलाने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी के लिए बेमत मरते क्यों हो, पहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो, तुमने महसूस कहा अपने ठिकाने पे हो, और एक लाख तुम्हें लोग निशाने पे हो, रोजाना मुसलमान मारा जा रहा है गाय और बैल के नाम पर, सारे गम सुनो भाई, सारे गम सारे गिरे सारे शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में उसे भुला के उठो, अब अगर एक ना हो पाए, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, सुन लो दोस्तों, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह दिखा जाओगे, खुद को पहचानो, तुम लोग मुफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मुमिन हो, खुदा वाले हो, टूटी हुई शमशीर के साथ तुम निकल आओ अगर नए तकबीर के साथ, अपने इस्लाम की तारीफ उलट कर देखो, अपने इस्लाम की तारीफ उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ दौर पलट कर देखो, तुमने पहाड़ों का जिगर खास चाक किया करते थे,
तुमसे दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, तुमने खैबर को उठाया था, तुम्हें याद नहीं? तुमने खैबर को उठाया था क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने बाकी को बचाया था क्या तुम्हें याद नहीं? फिरते रहते थे समोरोज बया भानों में, जिंदगी काट दिया करते थे तुम मैदानों में, रह के महलों में तुम आए थे हमको भूल गए, ऐसे इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। नौजवान साथियों, मैं तुमको पैगंबर का सबक देना चाहता हूँ, तुम्हें कांटों का रास्ता मिले, कांटे से नौजवान हो जाना, लेकिन तुम सच्चे रास्ते को मत छोड़ना, बेईमानी के रास्ते को मत पकड़ना, और भाईचारे को बढ़ाते हुए, भाईचारे को गले लगाते हुए मुंगरा के अंदर समाजवादी पार्टी का झंडा आसमान की ऊंचाई पे ले जाओ, इंशाल्लाह कोई माइक लगा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी अपने लाड़ने बनाए जनाब बाबू आसिम आदमी साहब को सुना, हमें उम्मीद है कि आप उनकी बातों पे अमल करते हुए समाजवादी पार्टी उमरा कलवा में एक ताकत बनकर उभरेंगे और एक अपोजिशन नहीं बल्कि एक हुक्मरान के तौर पर उभरेंगे। अब यहाँ के प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर जो है आप सफर करें, अभी कुछ जो है नॉमिनेशन यानी नाम वक्ती तौर पर जो है वक्त कम होने के बिना पे कुछ सर्टिफिकेट यहाँ के दिए जाएंगे। मैं वसीम भाई से गुजारिश करूंगा कि उन तमाम लोगों को जिन्हें यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बाद में दूसरी जो है पोस्टिंग की सर्टिफिकेट बाद में दी जाएगी, और उसके बाद जो है कुछ तंजीमें जो है यहाँ पर आसिम भाई को गुजस्ता और उनके साथ में अपना एक इजहार मोहब्बत और एक बेनती करना चाहती है, स्पेशली जो है यूथ एसोसिएशन ऑफ मुंगरा स्टूडेंट भी। ये मैं जो है उनके नुमाइंदे एक साल से गुजारिश करूंगा कि बाय काम यहाँ पर आए और थाना शहर के अध्यक्ष जनाब साहब उनकी पूरी टीम से गुजारिश है और अली सिद्दीकी से गुजारिश करूंगा कि बाय काम वो आगे आए। अली और एहसान और उनके तमाम साथी बाय काम यहाँ पे आए। आसिम भाई ये नौजवानों की एक टीम है जो पूरे मुंगरा में सामाजिक तालीमी और उनके किरदार को बढ़ाने के लिए ये जो नौजवान जनाब आसिम के साथ से मिल रहे हैं, वो नौजवान है जिन्होंने एक गोल बनाया है, वो चाहते हैं कि मुंगरा में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है उनके लिए बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा जाए। साथ ही साथ देखिए जैसे ही आपने आपकी डिमांड का अपर आसिम आदमी साहब ने फौरन कहा है कि इनकी डिमांड को जो उन तक पहुंचा दी जाए, वो जल्द अज जल्द उस डिमांड को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अगर